हाई दी, इट्स सोना हियर, आई एम बैक विद यू गाइस। और फिर से जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मेरे बैकग्राउंड से अंदाजा हो रहा होगा कि मैं बेसिकली हूँ अभी इंचन एयरपोर्ट पे। और गाइस, आप लोगों ने मेरी अगर रीसेंट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं डिपार्चर किया था लिमिनो ने मनीला के लिए, तो अब वो वापस आ रहे हैं। और वापस आ रहे हैं तो वापस आना तो बनता है ना गाइस। सो लेट्स गेट इनटू इट। मैं जो है पहुंच गई हूँ, और जो नहीं है उसकी फ़्लाइट बस 15 मिनट में आने वाली है यहाँ पर। बट अभी ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ से देखूँ। वैसे बेसिकली मुझे तो वैसे आइडिया है इसका कि जो नहीं कहाँ से जाते हैं ये लोग। जब ए एग्जिट पे आते हैं तो ये लोग इस वाले गेट से निकलते हैं, और जब ये लोग बी एग्जिट पे आते हैं तो वो उस वाले गेट से निकलते हैं। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वो किस साइड पर आएगा, बट स्टिल मैं थोड़ी कन्फ्यूज चल रही हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ जिससे उसे मैं फ़ौरन दिख जाऊँ और मिल जाऊँ। लेट्स सी क्या होता है। गाइस, आप लोग जैसे ना बहुत कमेंट्स कर रहे थे और मैंने आपकी रिसेंट वीडियो पर भी देखा, बेसिकली ना मुझे टाइम नहीं मिला है सारे जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करने का, क्योंकि जो है मैं बड़ी बिजी चल रही थी। मतलब मैं उस दिन जो है हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले, हम एडिट भी नहीं कर पा रहे थे और फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो गई, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। लेकिन मैंने फटाफट आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट किया और अगले ही दिन उसको जो है अपलोड कर दिया था। और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात ये है कि जो नहीं है मुझे ना आज थोड़ा ना, मतलब जैसे ही मुझे पता लगा ना, मतलब मैं लैब में थी और मैं पढ़ रही थी और मैंने बोला चलो निकलते हैं, मतलब और ना मैंने सोचा चलो मुझे पता है कि वो तकरीबन 5 बजे तक आएगा, तो मैंने क्या किया थोड़ा स्लो स्लो तैयार हुई और जो नहीं स्लो स्लो निकलने लगी। और जब मैं रास्ते में पहुंची ना तो मुझे पता लगा उसकी फ़्लाइट अर्ली, वहाँ से जल्दी निकल गई है। मैंने बोला भागो यार, मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगी आज, और मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंची हूँ, मतलब आने ही वाला है वो, और अब मैं पहुंच गई हूँ। और मैं इसलिए इधर आगे खड़ी हुई ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। और गाइस, द थिंग इज़ आने वाला है गाइस, और जो नहीं ये मेरी फोर्थ मुलाकात हो जाएगी। मतलब पहले 1.5 साल से मैं पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ उसे, मिल ही नहीं रहा। और जब मिला है तो मिले जा रहा है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस। लेकिन अब डर भी है कि दूसरे शेड्यूल्स का मुझे पता लगेगा कि नहीं लगेगा। और कितना लत लग गई, लत गाइस उसको 3D में देखने की ना। जंगबुक का जो 3D गाना आया ना, वो वाकई में उसके लिए आया। मतलब दिल कर रहा है मेरा कि उसको बार बार 3D में देखूँ। तो या आई वांट टू सी हिम लाइक दैट, तो बार बार 3D में देखने का दिल कर रहा है। और मैं बार बार उसके लिए नाटक जब भी दिख रहा है ना, मैंने बोला यार मौका नहीं, हाथ से जाना चाहिए, आ जाओ, फिर पता नहीं कब मौका मिले। और दूसरी बात ये, 1.5 साल से वेट करी थी, नहीं मिला। और कितना देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, ये वो वाला सीन हुआ है गाइस कि छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। और आज मेरी फ्रेंड ने आना था बट वो किसी वजह से नहीं आ सकी, वरना हम दोनों ही आते। और हम दोनों कल से ना आउटफिट जो नहीं सेलेक्ट कर रहे थे, वो भी सेलेक्ट कर रही थी कि मैं क्या पहनूं और मैं भी सेलेक्ट कर रही थी कि मैं क्या पहनूं। हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे तू ये पहनी अच्छी लगेगी, और इस तरीके की बकवास कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। लेकिन अब देखो कब तक आता है मिनो। दूसरी बात ये गाइस, मेरे उस पर ना एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था कि मिनो के कंधे पे कोई टच कर रहा था और ये बड़ा स्कैरी थिंग है कि उसको ना मतलब ये कर रहा है। लेकिन गाइस मैं सबसे 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 अच्छी बात मिनो की ये बताऊँगी, लाइक वो बंदा ऐसा है कि मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब होता है, मुझे पता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप किसी के बगैर पूछे वगैरह जाके उसे कंधे से यूं करके टच करके हिला रहे हो या कर रहे हो। लेकिन मिनो ने इतने प्यार से पलटा, मतलब जैसे मिनो डर के नहीं पलटा या मिनो गुस्से में नहीं पलटा कि मुझे इसने कंधे पे क्यों टच कर लिया, उसने इतने प्यार से पलट के उसे हाथ मिलाया उस बंदी से जो भी थी। मतलब एक वाहिद, मुझे ऐसा लगता है एक वाहिद मिनो ही है जो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके फैंस उससे क्या कर रहे हैं, उसे बात कर रहे हैं, उसे हाथ मिला रहे हैं, वो हमेशा प्यार से ही पेश आता है, हमेशा प्यार से पेश आता है और हमेशा प्यार ही देता है। और गाइज़ अभी उसको इतना प्यार मिला है फिलिपिन में, आप देखें यहाँ क्या होता है। गाइज़ मैं, मेरे बड़े आज इरादे हैं कुछ करने के, अभी नहीं बताऊंगी। मेरा इरादा है कि मैं उसके साथ पिक्चर ले लूँ गाइज, अगर मैं आज पिक्चर लेने में कामयाब हो गई उसके साथ तो ये पार्ट में डालूंगी, वरना मैं नहीं डालूंगी। मेरा ही पूरा इरादा है कि मैंने आज उसके साथ पिक्चर लेनी है। लेट्स सी क्या होता है। सोचा था ना मैं ना मैचिंग का आउटफिट पहनूं, क्योंकि मुझे पता है वो वहाँ से क्या पहन के निकला है। बट द थिंग इज़ कि जो वो वहाँ से पहन के निकला है ना जैकेट, वो मेरे पास नहीं है। मैं दिल कर रहा उसी को बोल दूँ यार जैकेट दे दो अपनी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने जो है लेटर में क्या लिखा। सो गाइज ये तो सीक्रेट है गाइज। और दूसरा ये कि मैं आज भी लिख रही हूँ ये रहा। और गाइज मैंने हमेशा ना सेम एनवेलप यूज़ किया ताकि उसको याद रहे कि ये, अच्छा ये वाला एनवेलप ही उसका है। दूर से ही देख के वो पहचान ले अपने सारे एनवेलप्स में कि अच्छा ये वाला उसका है।
को क्या लगता है कि अब तक तो याद हो गई होंगी मैं उसे, और अगर नहीं होगी तो मैं आज उसे अच्छे से याद करा दूंगी कि मैं कौन हूँ गाइस। और बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान का झंडा ले जाइए, वो गाइस मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में उसे बता चुकी हूँ, इंडिया के बारे में बता चुकी हूँ, बांग्लादेश के बारे में उसे बता चुकी हूँ। और उसको उससे एक नेक्स्ट टाइम जब मिली थी तो मैं कंफर्म भी कर चुकी हूँ कि मैं याद है, तो मैं याद हूँ, मैं तो ऑब्वियसली बात है उसे याद हूँ और उसे ये याद होगा। तो ये है कि अगर आप लोग वाकई चाहते हो किसी भी सेलिब्रिटी को, चाहे वो मिनो हो चाहे वो BTS हो या कोई भी हो, अगर आप वाकई चाहते हो कि आप लोग को नोटिस करें, तो आप लोग अपनी कंट्री से उनको इतना प्यार दो कि वाकई में वो नोटिस हो, मतलब आप लोग नोटिस हो। सो गाइस यही एक चीज़ है कि मैं, मेरी पूरी कोशिश होती है यहाँ पर आके रिप्रेजेंट करने की, और मैं करती हूँ जितना आ सकता है। बाकी जो है अगर मेरे साथ और भी लोग हों तो फिर मैं कैमरे के साथ झंडा भी ले आऊँ, दूसरी चीज़ें भी कर लूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। गाइज लैंड हो गया प्लेन और वेट कर रहे हैं और भूख लग रही है अब तो मुझे पेट में से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई हैं। मुझे डर ये है कि ये आवाज़ें मेरी मिनहो ना सुन ले, पेट में से निकलती हैं भूख की वजह से। गाइज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लेट्स सी।오빠 여기 봐. 안녕.
앞에 막지 말아주세요. 지나갈게요. 옆에. 앞에 막지 말아주세요. 지나갈게요. 고마워. 뒤에 기둥 보세요. 뒤에 파크 보시고요. 네, 이제 여기까지 할게요. 안녕하세요. 바이바이. 바이바이. 축하합니다. 민호 씨 축하해요. So guys, 호 गया एक बार फिर से मेरी मुलाकात. लेकिन guys, मैं मुझे इतना हैरानी होती है और इतना अच्छा भी लगता है, नो डाउट अच्छा लगता है. लेकिन उप्पा के जो फैंस हैं ना गाइज, वो इतने अमीर तरीन कोई लोग हैं कि इसके साथ की फ़्लाइट बुक करा लेते हैं, अंदर से निकलते. मतलब मिनो अकेला, मैंने सोचा यार थोड़े बाहर कम लोग हैं तो अंदर से ना मिनो जब आएगा तो अकेला आएगा तो आराम से मुझे मौका मिल जाएगा उससे बात करने का. अंदर से पूरी पब्लिक झुंड चला आ रहा है उसके साथ, उसकी तस्वीरें खींचता हुआ. गाइस हद है यार, इतने झुंड के साथ अंदर से निकला. वो सारे उसके फैंस थे और उसके साथ मतलब मनीला के लिए गए, वहाँ पे उसको सपोर्ट किया और फिर वापस यहाँ पर आए उसके साथ. मतलब लाइक फ़्लाइट सेम उन्होंने बुक करवाई. मतलब इतना पैसा है लोगों के पास गाइस, बहुत ही अमीर फैंस हैं. मेरा फट उसके साथ फ़्लाइट भी बुक करा लेते हैं और जो नहीं पता भी लगा लेते हैं कि फ़्लाइट कौन सी है, वहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ से वापस भी आते हैं. हाँ चिंचा. लेकिन गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि इस मरतबा में जो लेटर लाई थी, मैंने सबसे पहले आते ही उसको लेटर थमाया, उसमें मैंने उप्पा बोला, उसने फ़ौरन सुना, आया. इतना लंबा है यार, एक तो इतना लंबा है ना ये आदमी, अच्छा भी लगता है. लंबा है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन मतलब मुझे ना हील्स पहन के मैं नहीं आ सकती हूँ, फिर मेरा कद जाता है तो थोड़ा सा नीचे. अगर मैं हील्स पहन के आऊँ ना तो हमारे यहाँ हाइट डिफरेंस बहुत ही क्यूट हो जाए. लेकिन जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों में जाना होता है, चलना होता है, तो हील्स अगर मैंने पहनी तो मैं गिरूँगी, तो इसे मैं हील्स पहन के नहीं आती हूँ, जो शूज़ ही पहन के आने पड़ते हैं. लेकिन गाइज मैंने फिर से उसे लिया लेटर और फिर मैंने उससे बात करी. फिर ना हम लोग हाथ मिलाने लगे. मतलब हम लोग हाथ मिला ही रहे थे कि ना एक लड़की बेचारी गिर गई, तो फ्रंट ना इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं ना गिर जाऊँ, और फिर मुझे आगे बताते हुए गया. फिर मैंने ना फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया था दोबारा से, ताकि हम दोनों साथ हो सके ना. तो जब हम दोनों ने साथ वाले उसमें आए, तो मैंने उप्पा को बोला, उप्पा योगी भाई मतलब इधर देखो, मेरे कैमरे में देखो. तो उसने मेरे कैमरे में देख के, उसे पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके साथ उसने हाई किया कैमरे में. गाइस उसको इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैंने उसको वन फ्रेम में लेने की कोशिश करी अपने साथ. मतलब कितनी अच्छी बात है गाइस, इतना नाइस क्यों है मिनो. मतलब उसने वन फ्रेम में आने दिया अपने आप को, उसने हाई किया वहाँ से. और गाइस फिर दोबारा, मतलब सारा मसला ये हुआ जब हम लोग सिग्नल पे पहुँचे ना, तो वहाँ से आगे जाना होता है, तो सिग्नल जो है बेसिकली इस मरतबा ग्रीन ही था यार, तो हम लोग सीधा गुजर गए. मतलब हमें टाइम नहीं मिला, वरना सिग्नल पे रुकता है वो, रेड होता है तो उसका इंतज़ार करता है ग्रीन होने का, लेकिन वो चला गया. जो है सीन ये हुआ कि फिर वो ना अपनी गाड़ी में बैठा, उसने गाड़ी में बैठने से पहले भी हाथ मिलाया और जिन्हें उसके बाद उसने गाड़ी में से भी टाटा करता हो गया. तो गाइस अच्छा लगा, पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी. लेकिन अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. गो टू माय इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल, सपोर्ट देयर एज़ वेल. बाय बाय.